जय हिंद दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे सेशन में। मेरा नाम है सनी वर्मा। आइए दोस्तों, क्या बात, आज बहुत ही कम व्यूअर्स हैं। आज क्या मास बंक पे हैं सभी? जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। निखिल शर्मा, शिवांश, दिनेश, हिमांशु, सुमन शिवराण, आयो, हाँ जी आइए दोस्तों, शाबाश, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद निखिल, गॉड ब्लेस यू राज तिवारी, राम राम जी, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। गाइज, अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स, उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसके साथ साथ उसके अंदर इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैं। अभी करंटली कुछ पार्लियामेंट में क्या हुआ है, वो सब चीज़ें हैं। बायोडाइवर्सिटी से भी एक आधा क्वेश्चन है। आज दुर्गा पूजा है, ओके, चलिए बहुत बढ़िया। शादी में गए थे निखिल आप? बहुत बढ़िया यार। हर्षवर्धन सिंह, गॉड ब्लेस यू, लव यू टू मिनट मॉय। चलिए, जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है? व्यूअर्स ज़्यादा है, लाइक्स कम है, एक बार तो लाइक कर दीजिए सभी के सभी, एक बार अभी के अभी, और सभी के सभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम अर्पित, ठीक है? इसके दो काम है, दूसरा मैं बता देता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल भी है। हाँ जी बताइए, गॉड ब्लेस यू हर्षवर्धन, नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कश्यप भानुशाली, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी हिमांशु बताइए, पूछो पूछो, जल्दी से पूछो, फिर मुझे स्टार्ट करना है। हिमांशु जल्दी बताइए, नहीं मैं अच्छे से सोया हूँ, कल रात अच्छे से सोया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओके, आप लोग एक काम कीजिए, मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा पे कीजिए मैसेजर, इंस्टा पे सनी राजगीर सर्च कीजिएगा, वहाँ मैं मिलूँगा आपको, ठीक है? इंस्टा पे कीजिए मैसेज, साथ के साथ रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है? साथ के साथ नहीं तो आ ही जाएगा, सेम डे आ जाएगा। इंस्टा पे प्लीज़, इंस्टा पे मैसेज कीजिए मुझे। अगर मैं अकेडमी पे नहीं देख पा रहा हूँ तो आप मुझे इंस्टा पे कर दीजिए, ठीक है? जो इंस्टा नहीं चलाते, फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक, फेसबुक पे भी सेम नेम से ही मुझे सर्च किए, फेसबुक पे, एफबी पे भी और इंस्टा पे भी सेम, ठीक है जी, क्लियर। जैन दोस्तों, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपको, हमेशा की तरह आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप लोग घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने रह सकते हैं, घर का खाना खाकर बिना किसी के कॉन्टैक्ट में आए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग के अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं, रात को भी पढ़ सकते हैं, टॉप एजुकेटर्स की मदद ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं गाइस तो आपको ढेर सारी मदद मिलने वाली है, ये सारे फ़ायदे होने वाले जो मैंने आपको बताए, ठीक है? जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स के साथ साथ अपनी एनडीए की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं,
2021 के अंदर NDA 2 उनके लिए आइडियल रहेगा, ठीक है, 1 भी दे सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन फुल फ्लेज तैयारी के साथ NDA 2 के अंदर 21 के अंदर आप आ सकते हैं, राइट। तो 3 महीने का कोर्स ले लीजिए, 4000 का पड़ता है वो, 3 मंथ्स का। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एक रेफरल कोड जिसका नाम है टीम अर्पित, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट, ठीक है जी, और प्राइसिंग आपकी हो जाएगी 3600, ठीक है जी। चलिए, डांट खाना तो ज़रूरी है, डांट खाना और मम्मी की मार खाना ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब अब मैं नहीं खाता हूँ लेकिन बच्चों ने खूब खाई है और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है भैया, वो तो हमें मिलना ही चाहिए, वो हमारा डेली डोज है ना। चलिए, डांट तो अभी भी पड़ जाती है कभी कभी, तो वो तो डेली डोज है, उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। चलिए करंट अफेयर्स पे आते हैं गाइस, अक्टूबर मंथ के हैं ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो करंट अफेयर्स है, आपने ये नहीं देखना कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, आपने उसमें से क्या चीज़ें दुनिया में हैं, कितनी नॉलेज है, ये सब चीज़ें आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोड इज नॉट वर्किंग, एक बार देख लीजिए इसको, बिना किसी स्पेस के करिए, बिना किसी स्पेस के, ठीक है जी। चलिए गाइस, हाँ जी, तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस पोल स्पेंडिंग सीलिंग बाय 10%, जितना खर्चा इलेक्शन के कैंपेनिंग पर और उसकी एंडोर्समेंट पर, उसकी एडवर्टाइजमेंट पे होता है, उसका खर्चा बढ़ा दिया गया 10%, ठीक है जी। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ी है इतने टाइम पर, कि कंट्री ऑलरेडी रिसेशन के दौर से गुजर रही है, चीज़ें इन्फ्लेशन भी हो ही रही है। सब्जी कल परसों में लेने गया था, सब्जियां लेने गया था, मैंने बोला कि ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, 2-3 नॉर्मल सी चीज़ें, टमाटर, आलू, प्याज एंड ऑल। उस बंदे ने 300 रुपये का बिल बना दिया, आधा आधा किलो सब्जी के अंदर, हैं। तब मुझे लगा है इतनी महंगाई, इतनी महंगाई, वाकई इन्फ्लेशन काफ़ी है। और सोचिए कि सब्जियाँ भी आनी है, दालें भी आनी है, हैं, दूध भी आना है, अरे बड़ी महंगाई है यार, सीरियसली। कल परसों में बाज़ार गया, मैं तो गया तो बड़ा एक्साइटेड था, आया बड़ा उदास हूँ मैं। चलिए, तो गवर्नमेंट इंक्रीजेस पोल स्पेंडिंग सीलिंग बाय 10%। सबसे पहली बात तो गाइस, ये कोविड के टाइम पर, कोविड-19 है ना, नाम सुने भी बड़े दिन हो गए इसके। चलिए, कोविड-19 के टाइम पर जो स्पेंडिंग करनी है पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन के दौरान, उसके ऊपर मास्क का, सैनिटाइजर्स का और आइडियल डिस्टेंस लोग बना के खड़े हों, इस बात का ध्यान रखना है। इसके लिए सरकार ने 10% इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया है कि आप कुछ भी कैंपेनिंग वगैरह करेंगे, तो आपको सैनिटाइजर मास्क का खर्चा उठाना पड़ेगा खुद ही। उसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज ने 10% किट सीलिंग लगा लिया। पहले 70 लाख रुपए खर्च कर सकते थे कैंपेनिंग पे, सॉरी, पहले 70 लाख खर्च कर सकते थे, 70 लाख ऑन द कैंपेनिंग एक पर्टिकुलर पार्टी, नाउ इट इज 77 लाख, 7 लाख रुपये आप सैनिटाइजर मास्क वगैरह इस सब कैंपेनिंग के अंदर भी खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये कोविड-19 के लिए किया, ऐसा किया गया है, ये तो होगी बात, नॉर्मल सी बात है कि बढ़ा दिया। हमें इसके अंदर जानना है कि कौन कौन से रूल्स हैं, इलेक्शन रूल्स हैं, कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, कौन सी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक बार देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले 10% जो इंक्रीज किया, उसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंदर, इलेक्शन रूल्स है उसके अंदर, उस नोटिफिकेशन के अंदर एक बार चेंज कर दिया गया, ठीक है जी। उससे पहले 2014 के अंदर भी
एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया था, क्या होगा इसके, इस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से, वही मैं आपको बता रहा था। कोविड पेंडेमिक के टाइम पर जो मास्क है, सैनिटाइजर्स वगैरह है, उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि टीवी ने अब बोलना बंद कर दिया है ना। जितने भी न्यूज़ चैनल थे, नाम गिना सकता हूँ, 4-5 ही है वो लोग, वो 4-5 चैनल्स पूरे देश को चला रहे, अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना चला गया है, COVID-19 नहीं है, वो है, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस कि उसकी अवेयरनेस हो, पहली बात तो ये, मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा हूँ, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही खाना है, ठीक है। इतनी आप लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ और नहीं खाना है। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जिन्होंने अपनी होम मेडिसिन बना के खा ली और अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है उनको, सीरियसली ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। कोरोना का सिर्फ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर या हेडेक या गला, ऐसा कुछ नहीं है, वो और भी बहुत इफेक्ट डालता है, मेंटली हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करता है, एकदम ब्रेकडाउन कर देता है। तो जो डॉक्टर बोले वही खाना भैया, आइसोलेशन में रहने को बोले तो वही करना है, इधर उधर फालतू में घूमना नहीं है। लोग मास्क भी नहीं लगा रहे, ठीक है। तो वही पॉलिटिकल पार्टीज को बोला इन्होंने कि एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा सैनिटाइजर्स, मास्क और क्राउड को मैनेज करने के लिए, उसके लिए आपको 7 लाख का और एडिशनल बजट दिया जाता है, एक्सपेंड करते हैं आप 70 लाख से 77 लाख पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो स्टेट और यूटीज जहाँ पर लोकसभा पोलिंग होती है 70 लाख की कैप थी, अब 77 लाख होती है। स्टेट एंड यूटीज 54 लाख थी जहाँ पर 59 लाख कर दी गई है, ठीक है। इट मीन्स लोकसभा के जो इलेक्शन है उस पर 70 लाख का खर्चा है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का खर्चा है और यूटीज जहाँ पर असेंबलीज है वहाँ पर 59 लाख कर दी गई है, ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके लिए गाइज एक तो मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा अपना अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट, जिसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंडिचर आपको एक्सपेंसेस इलेक्शन कमीशन को बताने होंगे, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर गाइज जो क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन आती है, अगर आप इनकरेक्ट अकाउंट दिखाते हैं या फिर एक्सपेंडिचर आपका चला जाता है आगे अकाउंट से, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फॉर दी 3 ईयर्स। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, 9th स्केड्यूल एंड ऑल एवरीथिंग। चलिए, ठीक है, अब इस एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से एक 255th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उन्होंने बोला है कि रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो एक लॉबिंग को, मैंने कल भी आपको बोला था, एक लॉबी होती है। आपको याद है कि एक हैदराबाद की बात है, असदुद्दीन ओवैसी स्टेज पर थे, उन्होंने भाषण दिया, वो जा रहे थे, एक लड़की आई, उसने प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स लगाए, याद है सभी को ये बात। याद है ना, प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स इंडिया में लगाए थे असदुद्दीन ओवैसी के डाइस पे खड़े होकर, है ना। जब उसको पकड़ लिया गया, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया, तो उसने बोला कि एक पूरी की पूरी लॉबी काम करती है, स्टूडेंट यूनियन की लॉबी, और वो स्टूडेंट यूनियन का लाइफस्टाइल पता कैसा है, वो दिखाते हैं कि हम प्रो पॉवर्टी या जो डिप्रेस्ड लोग हैं उनके लिए काम करते हैं। कभी उनका लाइफस्टाइल देखना जाके, कन्हैया कुमार का देख लेना, ठीक है। वो एक दो और हैं, क्या नाम है उनका, एक दो और हैं, उनका आप लाइफस्टाइल देख लेना एक बार जाकर,
ये लोग इंटेलेक्चुअली बात करते हैं, ऐसे बात ऑन दी ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं करते हैं ये लोग कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है इनका। कभी लाइफस्टाइल देखना, ये खुद किसी लॉ को नहीं मानते हैं। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, ठीक है। ये सोचते हैं कि हम लॉ से भी ऊपर है, हम बहुत इंटेलेक्चुअल है। ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न होते हैं ना इंटेलेक्चुअल्स, इनकी बात कर रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े गैंग, ठीक है। उसने बोला था कि पूरी की पूरी लॉबी काम करती है इनके पीछे। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाते हैं। इंडिया मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लोगों की यहाँ पर ना चले, लॉ उनके लिए स्ट्रिक्ट हो, माइनॉरिटीज के लिए स्ट्रिक्ट ना हो। माइनॉरिटीज के अंदर भी पर्टिकुलर कम्युनिटी, उनको ये मिसगाइड करने में लगे रहते हैं। और कभी कभी लोग मिल भी जाते हैं इनको सबक सिखाने के लिए, जैसे कि आपके मोहम्मद आरिफ खान, एक बार उनको सुन लीजिए। ये उनसे दूर भागते हैं ऐसे ऐसे लोग। ठीक है जी, चलिए फर्दर रिफॉर्म्स। कैप ऑन पार्टिसिपेंट्स, कितना कैप लगाया गया। ये कैप लगता है पहले तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत, ठीक है जी। इसके अंदर ये बोला गया कि 50% जो स्पेंडिंग होगी वो तो पर्सनल एंडोर्समेंट पे होगी, जो भी आपका बैनर्स वगैरह लगते हैं। 50% स्पेंडिंग आपको COVID-19 पेंडेमिक्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ठीक है जी, हो गया जी। चलिए चलिए, मोर देन सफिशिएंट है इसके अंदर। एक बार ये देख लेते कि वेरियस कमेटीज और कमीशंस कौन कौन सी बनी है आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 170th रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द इलेक्शन लॉ 1991 में आई थी। इलेक्शन कमीशन की दूसरी रिपोर्ट, गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन 1990, वोहरा कमेटी 1993, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इन 1998, ये काफ़ी फेमस हुआ था। नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ वर्किंग सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कितनों ने ARC पढ़ा है, कितनों ने ARC पढ़ा है। रेप केसेस कैसे कम हो, सब कुछ इसके ऊपर तो मैं कंटिन्यूसली हर रोज किसी ना किसी सेक्शन में बोलता रहता हूं, ठीक है। हर्षवर्धन बहत्तर हुरे क्या होती हैं? जो बंदा मेहनत करना नहीं जानता ना, जो अपने हाथ पैर चलाना नहीं जानता, जो रियलिटी से दूर भागता है, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता, वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, ये एक आइडियल मटेरियल होता है जिनको आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, समझे। जो जब तक जिंदा है ना, धरती से बड़ी कोई जन्नत है, धरती से बड़ी कोई जन्नत है, मुझे तो नहीं लगता। मैं नहीं मानता किसी स्वर्ग को, जन्नत को, किसी नरक को। धरती पे ही भैया, आपके अर्थ पे ही, यहीं पर सारा कंफर्ट है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। आप जीते जी कुछ नहीं कर सकते, तो मरने के बाद तो भूल जाओ, आपको कोई याद भी नहीं रखेगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर किसी दिन चार रोटी बनाकर अपने हाथ से या अपने मदर को आप बोलकर जाकर किसी बुजुर्ग लेडी को जो आपको दिखे काफ़ी प्रॉब्लम्स, उसको खिलाए या उसके पास बैठाइए, उसके लिए भी स्वर्ग वही है और आपके लिए भी स्वर्ग वही है। उस टाइम पर जो उसके दिल से दुआ निकलेगी आपको सारी उम्र काम आएगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है किसी को बताना है आपने, कुछ नहीं, अकेले में करिए, वही स्वर्ग है भैया। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए। ARC पढ़ा है किसी ने? ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसकी रिकमेंडेशंस पढ़ी है किसी ने?
क्या मैं आपके साथ ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन एक बार डिस्कस कर लूं किस दिन? बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ जी क्रेजी YSP शो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी देयर। या चलिए बताइए, ARC पढ़ी है किसी ने? हाँ और ना में, तीसरी बार पूछ रहा हूँ मैं आपसे, नहीं पढ़ी किसी ने? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की समरी किस दिन कर लूँ डिस्कस आपके साथ? अरे बहुत इंटरेस्टिंग है ये। वीरप्पा मोइले कांग्रेस के MP थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के ऊपर रिकमेंडेशंस दी थी, RTI के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सेक्रेसी लॉ के साथ कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी कैसी होनी चाहिए। मैं बार बार आपको बोलता हूँ फैसिलिटेटर गवर्नमेंट, उसकी रिकमेंडेशंस ARC के अंदर है। 2008 में आई थी, वीरप्पा मोइली उस टाइम पे MP थे और ARC के हेड थे, चेयरपर्सन थे, है ना। ये एक बार मैं इस, ये अच्छी खासी है, एक बार मैं, मुझे एक पब्लिशिंग हाउस ने बोला कि ARC की समरी चाहिए। अब एक एक पे चार चार एक एक समरी, उसके अंदर 14 या 15 रिकमेंडेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट के अंदर 400 से 500 पेज है। अब आप सोच लीजिए कितने पेज हो गए, और उसकी समरी निकालनी है, एक एक लाइन मुझे पढ़नी पड़ गई। मैंने बोला हाँ कर दूंगा, फिर उसी दौरान मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसकी समरी निकाली, चीज़ें समझी, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था, मैं एकदम गवर्नमेंट लाइन के अंदर खो गया था कि कितने बड़े झोल हैं, कितने बड़े लूप होल्स हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, चलिए दोस्तों करेंगे आगे, इसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं लेके आऊँगा जल्दी से आपके लिए ARC भी। चलिए जी, ये गाइस दूसरा टॉपिक है, दूसरा न्यूज़ है ये आपकी बायोडाइवर्सिटी से आएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी फुल फ्लैच नहीं बोलूँगा, जो इंडिया के अंदर रिपोर्ट देती है, एग्जैक्ट रिपोर्ट देती है कि पार्शियल रिपोर्ट देती है। तो बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर वैसे ही है जितना, जैसे हम किताबों में देखते हैं, क्या कुछ अलग है वो देखते हैं एक बार। कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ख़त्म करना चाहती है, ठीक है, उसको डाइवेस्ट करना चाहती है। इट मीन्स उसको जो ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दिया हुआ है, उसको जो फंडिंग देते हैं, वो खत्म करने वाली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू डाइवेस्ट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। अब वो कह रही है कि भैया इसको मैं जो फर्दर फंडिंग देता हूं वो नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। दिस हैज ट्रिगर्ड एंजाइटी अमंग साइंटिस्ट ऑफ साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस जिनको फंडिंग मिलती हो और जिनके ऊपर कैप ना हो। उनको तो ये होगा ना कि अब हमें काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या काम हमारे हाथ से चला जाएगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है भैया। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड एडवाइस टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रीज वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया के अंदर कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं यह सब आप लोगों को मालूम है। This role can only be performed and remain relevant as long as the institute remains a part of the Ministry of Environment and Forest. जब तक वो ministry के साथ बना रहेगा, उसको funding मिलती रहेगी, तब तक वो लोग काम करते रहेंगे। और government, हम लोग बोलते हैं PPP model, public private partnership, corporate culture होना चाहिए। अभी हम बहुत दूर हैं उस चीज़ से, अभी हम बहुत दूर हैं। आप BSNL जाके देख लो, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाके देख लो, आप हॉर्टिकल्चर ऑफिस होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, वहां चले जाइए, आपके तहसील में जाके देख लो। आप सब छोड़ो, आपके घर के पास नगर पालिका होगी, म्यूनिसिपल कमेटी, वहां जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भैया कॉरपोरेट कल्चर आना कितना ज़रूरी है। कॉरपोरेट कल्चर ऐसा नहीं कि आसमान से है, वो एक वर्किंग एथिक्स है। ठीक है, वो तभी आएगा जब आपको नौकरी का खतरा बना रहेगा। अभी तो
एक सिक्योर्ड इनकम आ जाती है महीने पर, और परफॉर्मेंस चेक जैसा कुछ भी नहीं है। परफॉर्मेंस चेक होता है क्या? नहीं होता है। और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि भैया हमें प्रमोशन मिले या ना मिले, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई है। उससे क्या हो गया, कॉम्पिटिशन खत्म हो गया। जय हिंद दोस्तों। चलिए, द गवर्नमेंट विल कट फंडिंग टू द इंस्टीट्यूट बाय 25% एवरी ईयर एंड इट कुड बिकम अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एंगेज्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बन के रह जाएगी पैसे जब चले जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर फाइनेंस कमीशन कुछ क्यों नहीं करता है? फाइनेंस कमीशन क्या होती है, चलिए एक बार देखते हैं। फाइनेंस कमीशन ये होता है गाइस कि जो आपका रिवेन्यू है सरकार का उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है ना। चलिए, द मूव फॉलोज अ रिव्यू बाय इट्स एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ 194 ऑटोनोमस बॉडी अक्रॉस 18 मिनिस्ट्रीज, ऑफ देम 109 बॉडीज मस्ट बी मर्ज इनटू 26, गवर्नमेंट मस्ट डिसएंगेज फ्रॉम 23 विच इज द WII। गाइज ऐसा है कि ढेर सारी ऑटोनोमस बॉडीज है डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर काम देख रही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर, जैसे वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ना, उन सभी को खत्म करके मर्ज करना चाहती है गवर्नमेंट फुल फ्लेज मिनिस्ट्री के अंदर। मोटिव ये है कि गाइस जो काम सौंपा गया था वो काम पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो काम पूरा नहीं हो रहा है या उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, लथार्जिक हो गए हैं लोग, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडीज क्या होती है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो पर्टिकुलर किसी मिनिस्ट्री के एक स्पिन ऑफ की तरह काम करती है, राइट। चलिए, इतने मेजर्स उठाने की क्या जरूरत पड़ गई है गाइस, चलिए देखते हैं। गाइस गवर्नेंस इशू आ रहे हैं, ठीक है, गवर्नेंस इशूज आ रहे हैं, क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने आपको कल परसों चौथे बताया था कि कंपैरेटिव होना चाहिए, कंपैरेटिव गवर्नेंस होनी चाहिए ना। उस कंपैरेटिव गवर्नेंस के अंदर हमने इसराइल की मदद मिली, नॉर्वे की मदद मिली, डेनमार्क की मदद मिली, तो हमें क्या बोलेंगे उसको, हम दूसरी कंट्रीज के साथ डाटा शेयर करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर लथार्जिक लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, काम भी हो रहा है लेकिन उतनी स्पीड के साथ नहीं हो रहा है, ये बोलेंगे क्या हम नॉर्वे को, इसराइल को, डेनमार्क को, अगर हम उनके साथ डाटा शेयर करेंगे और हम देखेंगे कि वो तो हमसे भैया 10 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ कोई और दूसरी कंट्रीज जुड़ना चाहेगी? नहीं जुड़ना चाहेगी। और इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि उनको हमारे पास आना चाहिए, ना कि हमें जाना चाहिए किसी दूसरी कंट्री के पास। सेंट्रल एशिया से सारे बर्ड्स उड़कर आते हैं, इंडिया के अंदर रुक जाते हैं, यहाँ से होके जाते हैं, है ना। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिशरीज मिलती हैं, इतने ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं आपको फ्लोरा एंड फोना के, तो इंडिया के पास आना चाहिए और दूसरी कंट्री आके यहाँ पर रिसर्च करे और यहाँ से सारे मीन्स ले जाए, मीन्स का मतलब है सारे रिसोर्सेज अपने साथ ले जाए, तो नुकसान किसका है, नुकसान हमारा है। फिर कल को मत बोलना कि भैया सारा पैसा तो देश के बाहर जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है ये, ठीक है। इसलिए गवर्नेंस इश्यू आ गए हैं, ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करना, ये सरकार अभी प्लान ही कर रही है उसके ऊपर, ठीक है। एक तो अकाउंटेबिलिटी, रिक्रूटमेंट इशू, नॉन एडहेरेंस, ये सब वही बातें जो मैंने आपको बताई अभी बातों बातों में, नाम लेके 3-4 ऑफिशियल्स का, नॉन यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोसेस, नॉर्थ के अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोई ऑफिशियल्स हैं वो अपने ढंग से काम कर रहे हैं, साउथ में अपने ढंग से, नॉर्थ ईस्ट में अपने ढंग से, वेस्ट में अपने ढंग से, कोई यूनिफॉर्म प्रोसीजर नहीं है कि डाटा इकट्ठा किया जाए, ठीक है। ये CAG ने बोला है, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, बढ़िया।
एक बार 100 लाइक्स तक ले जाओ यार, 100 लाइक्स। चलिए, क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर तो मैंने बता दिया आपको, क्वाड ग्रुपिंग मैं अभी फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, मैं नीचे देखता हूँ और कौन सी अपने पास न्यूज़ है। क्वाड तो मैंने आपको बता ही दिए, क्वाडिंग की वजह से ही फिर चाइना थोड़ा एक्टिवेट हो गया था, 9 डैश पॉइंट उसके क्वाड की वजह से है, ना कि क्वाड 9 डैश की वजह से है, ठीक है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर ये सब बातें, इन प्रॉब्लम को जन्म दिया है, ये रियलिटी है गाइस, ठीक है। चाइना ताइवान रिलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं एक बार। जो बच्चे नए हैं एक बार बताइए ये क्या होता है। हाँ जी दोस्तों बताइए, पीआरसी और आरओसी क्या है पहले तो ये बता दीजिए, पहले तो ये बता दीजिए। अच्छा एक बात और, एक ये भी मुझे बात बता दीजिए कि जो चाइनीज़ मेनलैंड है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है गवर्नेंस का। हाँ जी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना, बहुत अच्छा। राज तिवारी, अनिकेत, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहाँ पर रूल है और रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहाँ पर रूल है जल्दी से बताइए, ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इसलिए पूछ रहा हूँ। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहाँ पर रूल है, रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहाँ पर रूल है। नहीं नहीं आप क्वेश्चन अभी मिक्सअप कर रहे हैं, पहले इसका जवाब दीजिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहाँ पर है, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहाँ पर है। अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना में है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिर ताइवान क्यों बोला जाता है उसको, फिर वो ताइवान क्यों है, अगर रिपब्लिक ऑफ चाइना है तो वो ताइवान क्यों है। हाँ जी आयुष्मान, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन चाइना, इन द चाइना मेनलैंड, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द ताइवान। हुआ ऐसा था कि मोनार्की थी, ठीक है, मोनार्की का मतलब है कि राजा महाराजा लोग थे यहाँ पे चाइना में, ठीक है, उन्हीं का रूल चल रहा था। में वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो ही रहा था तो मोनार्की को ख़त्म कर दिया चाइना के अंदर और वहाँ पर एक पार्टी आई, रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ने ख़त्म किया मोनार्की को। लेकिन जो इसका वर्किंग एथिक्स थी और गवर्नेंस था वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। ये लोग भी सोशलिस्टिक पैटर्न के वही बातें, सोशलिस्टिक पैटर्न की चेक नहीं है किसी को, लैंड बांट के दे दिया गया, रिवेन्यू नहीं आ रहा है, ब्राइबरी बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, ये सभी चीज़ें ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ हुआ था। इसकी एक राइवल पार्टी थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1948 के अंदर रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि पूरे ताइवान को मिलाकर चाइना और ताइवान को मिलाकर पूरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो राइवल पार्टी थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये हार्डकोर कम्युनिस्ट सरकार थी, हार्डकोर, ठीक है, माओवादी जिनको बोलते हैं, माओ इसके लीडर थे, माओ, MAO, माओ, ठीक है, यही माओइस्ट जो होते हैं, माओइस्ट मतलब कि हार्डकोर कम्युनिस्ट, उनको माओवादी, इंडिया के अंदर नक्सलों को भी माओवादी बोलते हैं, है ना।
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1948 में इसको ख़त्म किया, रिपब्लिक ऑफ चाइना को। रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान तक रूल करती रही और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना तक रुकी रही। उस टाइम पर कोरिया के साथ एंगेज हो गई, थोड़ा बहुत जापान के साथ डिस्प्यूट हुआ, कोरिया के साथ डिस्प्यूट हुआ, तो ये ताइवान को इन्होंने फ़िलहाल निगलेक्ट कर दिया। जब 4-5 साल गुजर गए तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का क्लेम ताइवान पे बना रहा और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना के अंदर हार्डकोर कम्युनिस्ट सरकार लेके आ गई। तब से ये क्लेम करते हैं ताइवान के ऊपर, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर्टिकुलर पार्टी क्लेम करती है उसको, पर्टिकुलर पार्टी कि चाइना का क्लेम है ताइवान के ऊपर, ये एक पर्टिकुलर पार्टी का क्लेम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्टी का ही क्लेम लद्दाख के ऊपर है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है, सिक्किम के ऊपर था, ठीक है, अब नहीं है, मंगोलिया के ऊपर है, व्लादिवोस्तोक के ऊपर है, डोकडो आइलैंड के ऊपर है, साउथ चाइना सी के ऊपर है। ये एक पर्टिकुलर पार्टी का क्लेम है, इट मीन्स ये माओवादियों का क्लेम है, इट मीन्स ये कम्युनिस्ट सरकार का क्लेम है। कम्युनिस्ट सरकार का बस चले, वो तो पूरे इंडिया के ऊपर क्लेम कर दे अपना, ठीक है। और यही है आपका चाइना ताइवान रिलेशन। चाइना हैज आस्क्ड इंडिया टू अप्रोच टाइज विद ताइवान प्रूडेंटली एंड प्रॉपरली एंड सेड इट वुड फर्मली अपोज एनी ऑफिशियल एक्सचेंज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड ताइपाई। अब ताइपाई इज द कैपिटल ऑफ ताइवान। अब वो कह रहा है कि इंडिया ताइवान के साथ कुछ भी रिलेशन बनाएगा उसको प्रॉपरली हैंडल कीजिए, अदरवाइज इंडिया को प्रॉब्लम होगी। हिम्मत देख रहे हैं आप। अब वो हमें सिखाएंगे हमारी सोवरेनिटी कैसी है, हमारा फॉरेन रिलेशंस कैसा है। हमने तो आज तक नहीं बोला तुम पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे से मेंटेन करो। इनफैक्ट जो हमारा लैंड है गुरशरण जी, थैंक यू सो मच, जो हमारा पर्टिकुलर लैंड है गिलगित बाल्टिस्तान NWFP उसको पहले बोला जाता था, काराकोरम ट्रैक्स, खुद तो हथिया के बैठे हुए हो और इंडिया को सिखा रहे हो तुम, घटिया चाइनीज लोग, मतलब नॉट चाइनीज लोग, दिस पर्टिकुलर पार्टी, नॉट चाइनीज लोग यार, चाइना के लोग मेरे, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, ठीक है, मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है उनसे, बट ये जो इंडिया के साथ रिलेशन पर्टिकुलर पार्टी जो रूल कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे चाइना को, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और गलवान याद नहीं है जो बिना किसी गोली के यार इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज दोनों तरफ हुई, ये पर्टिकुलर पार्टी की एक सोच का ही नतीजा है, ठीक है जी। इशू, दिस स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना केम इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट दैट इंडिया एंड ताइवान आर कंसीडरिंग गोइंग फॉरवर्ड विथ टॉक्स ऑन अ ट्रेड डील। अब ट्रेड डील, मेड इन ताइवान अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, एटलीस्ट जो चाइना मेनलैंड के प्रोडक्ट है उनसे बेहतर होते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डील ताइवान के साथ करना हमें फायदा भी है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी किसी भी तरीके से। इंडिया एंड ताइवान इन 2018 ऑलरेडी साइंड अ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। इंडिया ताइवान ट्रेड हैव एक्सपेंडेड सिंस एंड ताइवानीज फर्म्स आर प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स इन इंडिया, ऑल्दो इंडिया एंड ताइवान डू नॉट मेंटेन फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने एस्टैब्लिश नहीं किए हैं ताइवान के साथ, उसके बाद भी इनको इतनी प्रॉब्लम है। अभी सिर्फ ट्रेड डील्स हो रही है, सिर्फ ट्रेड रिलेशंस है हमारे उनके साथ, और वो ताइवान इतुसा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ तो बात होगी उसमें, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट तो कुछ होगा उसके पास, और इंडिया को जोड़ता है उसकी, है ना। यहीं पर सारी की सारी चीज़ें आ जाती कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी कमी है दोस्तों, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या कमी है, एजुकेशन, ठीक है।
जो मास एजुकेशन ड्राइव होना चाहिए वो नहीं है। एक मास एजुकेशन ड्राइव, एक आप बोलिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे अवेयरनेस नहीं है लोगों को, सीरियसली नहीं है। अगर बेसिक सी चीज़ें पता हो जाए ना तो एसी, फ्रिज, आरओ, छोटे मोटे काम, लैपटॉप, ये लोग घर पे कर लें। ये टेक्निकल एजुकेशन, ये वोकेशनल जो स्किल्ड लेबरशिप होती है, ये इसकी कमी है इंडिया के अंदर, सीरियसली। और जो ठीक करने आते हैं वो भी कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से सीख के नहीं आए हैं, वो भी यहाँ तुक्का ही मारते हैं घर आकर कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और एक्सपीरियंस के साथ इतनी बातें पता ही लग जाती है। तो एफिशिएंसी नहीं है इंडिया के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चलिए, चाइना क्लेम ताइवान थ्रू इट्स वन चाइना पॉलिसी सिंस द चाइनीज सिविल वॉर फोर्स टू डिफीटेड कोमिनतांग और नेशनलिस्ट। ये वही लोग हैं जो आरओसी है, कोमिनतांग उनका लोकल लैंग्वेज के अंदर नाम है, ठीक है। चाइना इज ताइवान्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर विद ट्रेड टोटली 226 बिलियंस। ताइवान रन्स अ लार्ज ट्रेड सरप्लस विद चाइना। इतनी पॉपुलेशन है ताइवान की, मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है सीरियसली, कितने ट्रेड का होता क्या है। ठीक है, सेल्फ गवर्न्ड एक 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 लैंड का टुकड़ा है जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाकर रखा हुआ है, चाइना के साथ मर्ज नहीं किया, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप लोगों को जानते हैं। ताइवान इज अ मेंबर ऑफ WTO, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक अंडर वेरियस नेम्स। वेरियस नेम्स का क्या मतलब है यहाँ पर, कोई इसको ROC बुलाता है, कोई ताइवान बुलाता है, ठीक है, ये वेरियस नेम इसका ये मतलब। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या जिस कमेटी के अंदर चाइना का दबदबा होगा, उसकी फंडिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पर ROC लिखा जाएगा इसको, बाकी इसको ताइवान लिखते हैं, ठीक है। चलिए, उसकी इंडिपेंडेंट पहचान वैसे ताइवान है। इंडो ताइवान रिलेशन, डिप्लोमेटिक टाइज अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं। ट्रेडिंग पार्टनर है और वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना करता है इंडिया, वो कहता है कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है भैया, ठीक है। यहाँ पर इंडिया है अपना, देख रहे हैं, देखिए ताइवान तक, सॉरी कहीं खो गया था मैं, तो यहाँ पर 9 डैश लाइंस है जो कि साउथ चाइना सी का इशू है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर साउथ कोरिया, यहाँ पर जापान है, इन तीनों का ब्लॉक है और ये ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ मिलकर। आना पड़ेगा इनको अपना स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए, ठीक है, लेकिन इनको ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा अगर इंडिया के साथ एस्टेब्लिश करना है ट्रेड। और अगर ये ज़्यादा घूम के जाएंगे और यहाँ पर डिस्प्यूट और चाइना क्लेम उसको उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये पूरा का पूरा चाइना के अंडर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये एक ब्लॉक बन जाएगा जो कि एशियन मेंबर्स, यहाँ पर एशियन मेंबर्स है, उनको भी डायरेक्टली हैम्पर करेगा। यहाँ पर टूरिस्ट और ढेर सारे रिसोर्सेज हैं जो कि चाइना एक्वायर करना चाहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ इन आइलैंड्स के ऊपर भी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, चलिए, आयुष्मान सहकार ये मैं लास्ट कर रहा हूँ आपके साथ डिस्कस, फिर इसके बाद जो बाकी के हैं वो कल के क्लास में करूँगा, क्योंकि मैं लास्ट दिनों में गाइस इतना ज़्यादा एग्रेसिवली आपके साथ मैंने बातें शेयर करी हैं, अब मुझे लगता है कि आप लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि चीज़ों को अपने आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, है ना।
कि भैया जो कुछ भी चाइना कर रहा है वो मिनरल रिसोर्सेज को एक्वायर करने के लिए, ताकि वो अपना एशिया के अंदर दबदबा बना कर रखे, वो रशिया को भी पीछे छोड़ दे, वो जापान को भी पीछे छोड़ दे, वो साउथ कोरिया, इसराइल, इंडिया, सबको दबा के रखे और एशिया के अंदर एक जाइंट की तरह बन के रहे, और उधर से अमेरिका जो कि बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है इकोनॉमी के अंदर, उसके बराबर खड़ा हो जाए, उसकी करेंसी चले, चाइना की करेंसी चले, फिर अभी अमेरिका की करेंसी वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट की जाती है। अब इंडिया इस बात को हजम नहीं कर सकता, ना जापान कर सकता है, ना रशिया कर सकता है, ना इसराइल कर सकता है, ना साउथ कोरिया कर सकता है, ना ऑस्ट्रेलिया कर सकता है, क्योंकि मनमानी कर रहा है चाइना अपनी। उसको मनमानी करने से रोकना ही मोटिव है, क्योंकि उसकी जो थ्योरीज है वो एक्सपेंशन की है, उसके अंदर वो दूसरे कल्चर को भी खा जाता है, दूसरे लोगों को निग्लेक्ट कर देता है, ह्यूमन राइट्स को निग्लेक्ट कर देता है, दुश्मनों को अपने साथ मिला लेता है, जैसे कि पाकिस्तान, जिसको अक्ल ही किसी चीज़ की नहीं है। ठीक है, आज दिन में वही करेंगे गाइस जो हमारा है, इसको भी मैं फिर बाद में करूँगा डिस्कस आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और जो 130 क्लास होगी उसके अंदर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके अंदर देखते हैं गाइस जो इंडिजीनियसली इक्विपमेंट्स इंडिया ने बनाए हैं इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, या फिर वो हो सकता है, या फिर आपके डिफरेंट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, इन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, वर्गीज कुरियन कौन थे, इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 130 क्लास पे आ जाना, सभी करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, सी यू।